गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहां पर आप सभी देख सकते हो ऑप्शन नवी वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय आपका यहां पर अंग्रेजी होने वाला है यानी कि इंग्लिश, ठीक है ना। तो आपका जो कल पेपर होने वाला है यहां पर 75 अंक उसका पूर्णांक होने वाला है। यहां पर देख सकते हो 16 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके इंग्लिश के पेपर में और यहां पर आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है ना, 3 आवर दिया जाएगा। और सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग रोल नंबर डाल लेंगे, इसके बाद यहाँ पर कोड जो होगा ये देख सकते हो, इसके बाद आप लोग 75 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निर्देश भी दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर सेक्शन ए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा जिसमें आपको 5 अंक की पैसेज होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सेट आपका देख सकते हो यहाँ पर सेट ए होने वाला है। क्या होने वाला है? सेट ए का फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल पर नो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी सेट जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आप लोग बेल कॉल पर फ्रेश जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस कंप्रेशन ऑफ दिस पैसेज, ठीक है ना, ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर आपकी 5 अंक की पैसेज दी गई है जिसको आपको इसको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसका नीचे देख सकते हो ये आपको 4 इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको पहले का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दोस्तों लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे सी, ठीक है ना। क्या लगा लेंगे? लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग सभी जितने भी सेट मैं अपलोड करूँगा सभी की PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर तो व्हाट इज एक्सटर्नल व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, यानी कि सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट आपका देख सकते हो व्हाट इज ऑफ्टन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर होल लैंग्वेज पूरेड ओवर, ठीक है ना। इसके बाद आपका देख सो यहाँ पर पूछा गया चौथा, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अकाउंट कंपनी, ठीक है ना, अकंपनी। इसके बाद आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो चौथे का लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे इसका करेक्ट आंसर गो विथ, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? गो विथ। इसके बाद प्रश्न नंबर इसमें पांचवा पॉइंट पूछा गया आपका यहाँ पर, वन कैन लर्न एन इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब कि इंग्लिश का यहाँ पर देखो स्पीकिंग कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसका। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे यहाँ पर ट्रू, ठीक है ना, ट्रू यानी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर दूसरा, तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 अंक की एक और आपकी पैसेज दी गई जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया आपने तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोगों को सभी PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पैसेज पढ़ने के बाद आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके देख सकते हो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे बी वाला, यानी कि कोल्ड डिजर्ट, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। दूसरा कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपका, हु वाज च्वेंग नॉर फेल, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर दूसरे वाले का करेक्ट आंसर लगा लेंगे डी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें पॉइंट पूछा गया है, लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मैटर्स अबव सी लेवल, ठीक है ना, सी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरे का आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर 3000 से 3500, ठीक है ना। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट आपका कहता है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम हैज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, ठीक है ना, डेंस आइस। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर, चौथे वाले का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर ग्लेशियर, यानी सी, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका कहता है सेवरे शॉर्टेज ऑफ वाटर इज
द रिजल्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर पांचवें वाले का लगा लेंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यानी डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। सेट आपका ये होने वाला है, अगला सेट आपको कौन सा चाहिए यहाँ पर वही सेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट आपको कौन सा सेट चाहिए, सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट यहाँ पर ई एफ, कौन सा सेट चाहिए छः सेटों में से। तो आप लोग वही सेट आपको अपलोड कर दिएगा। नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जैसे ही अगला सेट यहाँ पर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर एक पैसेज दी गई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव सिट्यूबल टाइटल, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट्स बनाना है इसकी और आपको इसका टाइटल बताना है, ठीक है ना। इसका जो मेन टाइटल है वो आपको यहाँ पर बताना है इस पैसेज में। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग एक बार सभी प्रश्न देख लो, इसके बाद हम आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग क्रम बाई क्रम सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर चार में आपकी एक एप्लीकेशन दी गई है और इसके बाद प्रश्न नंबर जो पाँच आपका क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया, इसमें आपको ऐसे यानी कि आपका एक निबंध है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 150 वर्ड में आपको याद करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर छः, ये क्वेश्चन नंबर छः में आपको क्या दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिविन बिलू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज दिया गया है, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है जो कि आपको 75 वर्ड में लिखना है आपको। इसके बाद आपका सेक्शन सी, तो फुल सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए सेक्शन सी जो आपका कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और आपको फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका कहता है, पहला जो पूछा गया डॉट डॉट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर द, क्या लगा लेंगे टी एच ई, तो पहले वाले का द आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। दूसरे में आपका हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होल पहले यहाँ पर हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा बेटर, बी ई डबल टी ई आर, ठीक है ना, बेटर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद हाउ डॉट डॉट पेज डिड यू रीड, तो इसका करेक्ट आंसर जो तीसरे वाले का आप लोग लगाएंगे मैनी, एम ए एन वाई। इसके बाद पूछा गया चौथा, रमन बाज किल्ड डॉट डॉट राम, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे बी और वाई यानी कि बाय, ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट डॉट सी इल, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पर पाँचवें का हो जाए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बिकॉज, ठीक है ना, बी ई सी ए यू एस ई, ठीक है ना, ये आपका बिकॉज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट जो आपका कहता है डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको करा देता हूँ, इसके बाद आप लोग पीडीएफ में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनका आंसर देख लेना, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखते रहिएगा, देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नौ कहता है आपका सेक्शन डी, ठीक है ना, सेक्शन डी में आपके यहाँ पर फिर से पूछे गए आपके, यहाँ पर देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चॉइस करना है। तो यहाँ पर आपका हुज फादर किनेव वाज मच एज आ टीचर, तो इसका करेक्ट आंसर जो पहले वाले का लगा लेंगे आपको लगा लेंगे यहाँ पर टॉमी, ठीक है ना, ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज डिवर्स मीन, तो यहाँ पर आप लोग इसका दूसरे वाले का करेक्ट आंसर लगा लेंगे यहाँ पर स्पाइडर, ठीक है ना। इसके बाद पूछ गया तीसरा, तो तीसरे का करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग ओलम बी। इसके बाद पूछ गया चौथा, तो चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे ए हैवकर, ठीक है ना, क्या लगा लेंगे हैवकर। इसके बाद आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्रिमिनल, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर ए क्रिमिनल, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस में आपको दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो पहला है आपका इसका लगा लेंगे आप लोग ए, और इसके बाद दूसरा जो पूछा गया आपका तो दूसरे का ए और तीसरे का भी ए, ठीक है ना, तीनों के आपको ए आंसर करेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो बी ऑप्शन पूछा गया क्वेश्चन नंबर दस का, तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग यहाँ पर बी, और दूसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर बी, और तीसरे का भी आप लोग बी लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन द रोड नॉट टेकन, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको एनी सिक्स यानी छः कोई भी आपको क्वेश्चन करने हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो एनी टू यानी कि कोई भी दो करने आपको दो दो अंक के दिए गए हैं, इसमें से आपको एनी दो करने हैं। तो चलिए फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख सकते हो, ये आपके सभी पेपर के प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आपको, सभी प्रश्नों का सोल्यूशन एक बार मैं PDF में दिखा देता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और चलिए तो मैं यहाँ पर PDF निकाल लेता हूँ बिना किसी देरी के दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर पहला था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे, मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था, इसका मिलान आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था आपका, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी सेक्शन बी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग टाइटल लिखेंगे मध्य प्रदेश था, हेयर ऑफ इंडिया, क्या लगा लेंगे ये आप लोग, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, जो आपका टाइटल और नोट्स पूछा गया था। इसके बाद आप लोग नोट्स इस प्रकार से बनाएंगे, तो नोट्स आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर 6 पॉइंट आपको लिख देने हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन पूछी गई थी, यहाँ पर राइट आ एप्लीकेशन फॉर TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई सेकेंडरी आपको 12th हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई स्कूल रीवा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग रिस्पेक्ट सर इस प्रकार से लिखेंगे, नेम लिखना है, डेट डालनी है, सभी आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन 5 की ओर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज जो आपका यहाँ पर टॉपिक था, तो इसको आप लोग इस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो ऐसे यानी कि निबंध पूछा गया था, तो निबंध आपको ये देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग इसका निबंध तैयार कर लेंगे ट्रीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट ट्रीज के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था आपको, यहाँ पर सेंटेंस यानी कि जो आपको टेंस दिए गए थे, तो आप लोग इस प्रकार से इसको बनाएंगे। और जो आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो टेंस छूटे हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना। टैली यहाँ पर पकाया, इसकी दोनों टेंस की PDF डाल दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना। सेक्शन डी कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिए गए थे, तो क्वेश्चन का आंसर ये आप लोग मिलान करते जाना। क्वेश्चन नंबर 10 का ए दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी दिया गया है, और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखा दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के जितने भी प्रश्न छूटे हैं, उसके लिए पार्ट 2 के लिए आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रश्न नंबर जो आपका पहला था, इससे लेकर आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन 10 तक के सॉल्यूशन फुल प्रोवाइड करा दिया है। जो आपके दो टेंस छोटे हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।